राफेल का जिक्र किए बगैर पीएम मोदी का राहुल पर हमला, कहा बीजेपी को हराने के लिए देश के बाहर गठबंधन खोज रही है कांग्रेस। भोपाल के कार्यकर्ता महाकुंभ में बोले पीएम मोदी, मेरे खिलाफ हर गाली का कांग्रेसियों ने इस्तेमाल किया। और आपने पूरी ताकत लगा दी है मुझ पर गालियां देने की, डिक्शनरी की कोई गाली नहीं है जो आपने मेरे लिए उपयोग न किया हो। आपने जितना कीचल उछाड़ा है कमल उतना ही ज्यादा खिला है। मोदी ने कहा कि लगातार हार से भी सबक सीखने को तैयार नहीं है कांग्रेस, सूक्ष्मदर्शी यंत्र लेकर ढूंढना पड़ रहा है कहीं बचे हैं कि नहीं। अमेठी से पीएम मोदी पर राहुल ने फिर बोला हमला, अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने का आरोप दोहराया। राहुल का मोदी सरकार पर संगीन आरोप, कहा हर काम में हुई चोरी, सारे मुद्दे उछालेंगे। नरेंद्र मोदी की जो काम है राफेल, विजय मेहरा, नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, इन सब काम में चोरी है। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का बड़ा हमला, कहा बेशर्म और भ्रष्ट है राहुल। किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री कैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया, और राहुल गांधी ऐसे बेशर्म गैर जिम्मेवार व्यक्ति से आप कुछ अपेक्षा कर भी नहीं सकते हैं किसी भी पार्टी के। रविशंकर प्रसाद का आरोप, राहुल गांधी के परिवार को कमीशन नहीं मिला इसीलिए यूपीए शासन में नहीं हो पाई राफेल डील। राफेल डील पर संबित पात्रा ने उछाला वाड्रा का नाम, कहा वाड्रा के दोस्त संजय भंडारी की कंपनी को सौदा न मिलने से भड़के हैं राहुल। एयर मार्शल रघुनाथ नामबियार का बड़ा बयान, राफेल सौदे पर रिलायंस के करार को लेकर फैलाया जा रहा भ्रम। एयर मार्शल ने खुद राफेल उड़ाने का हवाला दिया, कहा बेहद शानदार एयरक्राफ्ट है राफेल, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर लगाया राफेल पर बचाव के लिए सेना के इस्तेमाल का आरोप। शरद पवार ने कहा राफेल की कीमत का खुलासा करने में कोई हानि नहीं, बोफोर्स के समय बीजेपी ने भी ऐसी मांग की थी। आधार पर कल आएगा बड़ा फैसला, आधार कार्ड की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट 27 याचिकाओं पर फैसला सुनाएगी। प्रमोशन में एससी एसटी आरक्षण पर कल आ सकता है फैसला, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ सुनाएगी फैसला। सीलिंग का ताला तोड़ने के मामले में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, एक हफ्ते में मांगा हलफनामा। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में मनोज तिवारी ने तोड़ा था सीलिंग का ताला, एमसीडी ने दर्ज कराई थी एफआईआर। सरकार को दी मोहलत, 15 नवंबर तक दाखिल कर सकेंगे विजन डॉक्यूमेंट। दागी जनप्रतिनिधियों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सिर्फ चार्जशीट के बिना पर चुनाव लड़ने पर नहीं लगेगी रोक, नहीं जनप्रतिनिधि घोषित होंगे अयोग्य। सुप्रीम कोर्ट ने दागी जनप्रतिनिधियों पर संसद को कड़ा कानून बनाने का निर्देश दिया, कहा सुनिश्चित करें कि अपराधी राजनीति में न आ सकें। वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था पर जताया संतोष, कहा विकास दर बढ़ा है, उपभोग की रफ्तार भी बढ़ी है। संसद की स्थायी समिति को चिट्ठी को लेकर रघुराम राजन पर अरुण जेटली का निशाना, कहा एक्शन से आसान है पोस्टमार्टम। एआईएमआईएम विधायक वारिस पठान को गणपति बप्पा मोरिया बोलने पर मांगनी पड़ी माफी, पार्टी ने जताई थी नाराजगी। भोपाल के कार्यकर्ता महाकुंभ में बोले अमित शाह, पीएम ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कार्यकर्ताओं का सिर नीचा हो। पीएम मोदी के सामने सीएम शिवराज ने थपथपाई अपनी पीठ, कहा हमने बनाई 1.5 लाख किलोमीटर वर्ल्ड क्लास सड़क। अमेठी में राहुल गांधी के दौरे के दूसरे दिन बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पीएम को चोर कहने वाले बयान का विरोध। लखनऊ में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर की अगुवाई में निकाली गई प्रभात फेरी, 2 अक्टूबर तक रोज कांग्रेसी निकालेंगे प्रभात फेरी। राम मंदिर पर शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी का बयान, सपने में आए भगवान राम, राम मंदिर की हालत पर रो रहे थे। बिहार सरकार अपराधियों के आगे लाचार नजर आई, डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने अपराधियों से हाथ जोड़कर पितृपक्ष में अपराध न करने की विनती की। बाकी दिन तो आप तो मना करे ना करे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और मैं अपराधियों से भी हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा तो भी कम से कम पितृपक्ष में तो छोड़ दीजिए, बाकी दिन तो आप तो मना करे ना करे कुछ ना कुछ करते रहते। सुशील मोदी की अपील पर भड़की कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन, कोर्ट से एक्शन लेने की मांग की।
सुशील मोदी के अपराधियों के फरियाद के बीच सीएम नीतीश ने आज पटना में लॉन्च की डायल 100। केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की खीर पॉलिटिक्स, इशारों इशारों में बीजेपी को चेताया, जितना हक है उतनी सीट मिले। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत के दूसरे सर्जिकल स्ट्राइक के बयान से पाकिस्तान में हड़कंप, पाक रेंजर्स ने सीमा के पास 90% गांव खाली करवा दिए। पीओके में 6 लॉन्च पैड पर करीब 50 आतंकी मौजूद, सूत्रों के अनुसार घुसपैठ की तैयारी में आतंकी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया, कल शाम से चल रहा था एनकाउंटर। सर्जिकल स्ट्राइक का हिस्सा रहे लांस नायक संदीप सिंह शहीद, तंगधार में घुसपैठ रोकने के दौरान मुठभेड़ में शहीद। पंजाब के गुरदासपुर पहुंचा लांस नायक संदीप सिंह का पार्थिव शरीर, परिवार में पत्नी और 5 साल का बच्चा। ₹5,000 करोड़ का लोन लेकर भागने के आरोपी नितिन संदेसरा को पकड़ने में सक्रिय हुई सीबीआई, नाइजीरियन इंटरपोल से मांगी मदद। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने पुलिस के जवानों से मुलाकात की, आतंकी हमलों के बीच जवानों का हौसला बढ़ाया। रेप केस में फंसे फलाहारी बाबा पर कल अलवर की एडीजे अदालत सुनाएगी फैसला, आश्रम में शिष्या से रेप का आरोप है। नोएडा में दिन दहाड़े एलएलबी छात्र को बदमाशों ने मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बनारस के बीएचयू में जूनियर डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच हाथापाई, पुलिस जीप में लगाई आग, परिसर में आगजनी। हाथरस में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान 11 नाबालिग बच्चे गायब, पुलिस प्रशासन में हड़कंप। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, फायरिंग में 3 बदमाश जख्मी। इलाहाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने एजेंट से लूटे 22 लाख रुपए, वारदात के बाद पिस्टल लहराते मौके से फरार हुए 3 बदमाश। बलिया में मॉब लिंचिंग का एक और मामला सामने आया, महिला के साथ लूट के आरोप में युवक की बुरी तरह पिटाई की। दिल्ली में पकड़े गए 3 शराब माफिया, सीएसडी कैंटीन का लेबल लगाकर बेचते थे अवैध शराब। रेवाड़ी गैंगरेप कांड का मुख्य आरोपी निशु को न्यायिक हिरासत, 5 अक्टूबर तक जेल में रहेगा आरोपी। दिल्ली के आदर्श नगर में पत्नी की हत्या, सोते समय पति ने एलपीजी सिलेंडर से मारकर हत्या की। ट्रैफिक नियम तोड़ने में गुरुग्राम अव्वल, 8 महीनों में पुलिस ने काटे 8,68,000 ट्रैफिक चालान। रोहतक में चोरों के हौसले बुलंद, एक साथ 3-3 दुकानों में सेंधमारी, वारदात सीसीटीवी में। हैदराबाद पुलिस को टीडीपी विधायक की हत्या के केस में एक महिला और पुरुष की तलाश, घटनास्थल पर नजर आए थे। रोहतांग टनल से रेस्क्यू किए गए 150 लोग, खराब मौसम के कारण कल से फंसे थे। जम्मू कश्मीर के लेह में ट्रैकिंग के दौरान हादसे के शिकार 2 विदेशियों का रेस्क्यू, हेलीकॉप्टर के जरिए बचाए गए जर्मन नागरिक। भारी बारिश के बाद मंडी में उफान पर नदियां, जिला प्रशासन की नदी के पास से लोगों को हटने की चेतावनी। लगातार बरसात से चंबा जिले का चमेरा डैम हुआ लबालब, प्रशासन ने गेट खोले। मूसलाधार बरसात के बाद मंडी के रास्तों पर कहर बनकर टूटे पहाड़, रास्ता बंद होने से ट्रैफिक पर घंटों ब्रेक। पहाड़ों पर आफत की बारिश का सिलसिला जारी, हिमाचल के पालमपुर में रस्सियों के सहारे रेस्क्यू। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग NH-94 बंद, कमान के पास भारी भूस्खलन के बाद टूटी आफत। केदारनाथ धाम की चोटियों पर हुई जमकर बर्फबारी, अक्टूबर के महीने में दिसंबर जैसी ठंड। उत्तराखंड रामनगर दरिया के तेज बहाव में बह गई 2 बाइक, बाल बाल बचे बाइक सवार। उत्तराखंड में टनकपुर पिथौरागढ़ सड़क पर पहाड़ों से गिरा मलबा, हाईवे हुआ जाम, दोनों ओर फंसे सैकड़ों वाहन। हिमाचल प्रदेश के सोलन में सड़कों को खोलने का काम शुरू, भूस्खलन से बंद हो गई थी 30 से ज्यादा सड़कें। राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा, हरियाणा के हथनी कुंड से यमुना में छोड़ा गया 1,34,000 क्यूसेक पानी। हरियाणा के पंचकुला में जान जोखिम में डालकर घग्गर नदी पार करते हैं छात्र, पाइप पकड़कर नदी पार करने की तस्वीरें सामने आईं।
बारिश के बाद पानी पानी हुआ पंजाब, बाढ़ जैसे हालात, हजारों एकड़ फसल पानी में डूबकर हुई बर्बाद। अमृतसर में एशिया की सबसे बड़ी मंडी का बुरा हाल, दो दिन की बारिश में 50% अनाज बर्बाद। एशिया कप के आखिरी सुपर फोर मैच में भारत को 253 रनों का टारगेट, अफगानिस्तान ने बनाए 8 विकेट पर 252 रन। अफगानिस्तान के ओपनर मोहम्मद शहजाद ने खेली शतकीय पारी, 116 गेंदों पर 60 छक्कों के साथ 124 रन बनाए। मोहम्मद नबी ने जमाया 50, 56 गेंद पर 64 रन बनाए। 5 बदलाव के साथ उतरी टीम इंडिया, रोहित, धवन, भुवनेश्वर, बुमराह और चहल को आराम दिया है। मैच में रोहित शर्मा की जगह कप्तानी कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी, 696 दिन के अंतराल के बाद संभाली कप्तानी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बांटे खेल पुरस्कार, विराट कोहली और वेटलिफ्टर मीराबाई चानू को मिला खेल रत्न। भारत की नई उड़न परी हिमा दास और महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को भी अर्जुन पुरस्कार, टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को भी अवार्ड। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा, जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, शूटर श्रेयसी सिंह समेत 20 खिलाड़ियों को मिला अर्जुन पुरस्कार। शिखर धवन और ऋषभ पंत के कोच रहे तारक सिन्हा को मिला द्रोणाचार्य पुरस्कार। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 5वें T20 मैच में श्रीलंका को 51 रनों से हराया, 5 मैचों की सीरीज 4-0 से। $80.60 प्रति बैरल के साथ 4 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचे पेट्रोल के दाम, ओपेक ने किया क्रूड प्रोडक्शन बढ़ाने से इनकार। 14 पैसे बढ़कर दिल्ली में ₹82.86 प्रति लीटर हुआ पेट्रोल, डीजल 10 पैसे बढ़कर ₹74.12 प्रति लीटर। 347 अंकों की बढ़त के साथ 36,652 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 100 अंक बढ़कर 11,067 पर बंद। देना बैंक के बोर्ड ने बैंक ऑफ बड़ौदा और विजया बैंक के साथ विलय को मंजूरी दी, 1 अप्रैल से तीनों के विलय से बनेगा भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल 10 अक्टूबर से होगी शुरू, अमेजॉन भी लगाएगा ग्रेट इंडिया सेल। अपने शपथ ग्रहण में पीएम मोदी को न्योता भेज सकते हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, यामीन को हराकर मालदीव के राष्ट्रपति चुने गए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में सुषमा स्वराज के जरिए ट्रंप ने पीएम मोदी को भेजा संदेश, कहा मैं भारत से प्यार करता हूं, नरेंद्र मोदी मेरे दोस्त हैं। उत्तर कोरिया की किम जोंग उन से जल्द हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप की फिर मुलाकात, अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया संकेत। 3 महीने की बेटी के साथ यूएन महासभा पहुंची न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री, यूएन में ऐसा पहली बार हुआ। लंदन में भीषण आग, 80 दमकल कर्मी आग बुझाने के काम में जुटे। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।